हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून हेयर केयर टिप्स। ठीक है, तो मॉनसून सीजन में क्या होता है, नॉर्मल वेदर के अकॉर्डिंग, नॉर्मल जो मौसम होता है उसके कंपैरिजन में मॉनसून में हमारा जो हेयर फॉल होता है वो 30% ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न है, हर वेदर का जिस तरह से हमारे शरीर पे असर पड़ता है उसी तरह से हमारे स्किन पे और हमारे हेयर्स पे भी उसका इफेक्ट होता है। तो हर मौसम में अपने स्किन का, हेयर का केयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मॉनसून सीजन में सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने स्कैल्प को, अपने हेयर को बिल्कुल क्लीन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कैल्प में इचिंग हो रही है और आप सोचें कि आज तो मेरा शैम्पू करने का डे नहीं है तो मैं शैम्पू नहीं करूँगी, ऐसा आपने नहीं करना है। डेफिनेटली आपको शैम्पू उसी दिन कर लेना है जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग, इरिटेशन, कुछ भी आपके स्कैल्प में फील होता है, डेफिनेटली आपको अपने हेयर्स को क्लीन कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपने अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। भले ही आपको वीक में 3 दिन 4 बार जितनी बार भी शैम्पू करना पड़े आप करें, लेकिन अपने हेयर्स को, अपने स्कैल्प को आपने हमेशा क्लीन रखना है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि आपने अपने हेयर्स को हमेशा टाई करके रखना है, उन्हें बांध करके रखना है। ऐसा नहीं है कि लाइक शैम्पू किया और काफ़ी अच्छे आपको अपने बाल फील हो रहे हैं और आप उसे ऐसे ही छोड़ते, खुले छोड़ते। जितना आप अपने हेयर्स को खुला छोड़ेंगे उतना आपको अपने हेयर्स में प्रॉब्लम बढ़ेंगी इस सीज़न में, क्योंकि मॉनसून में होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट है ना उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और उस मॉइस्चर की वजह से हमारे स्कैल्प में जो है मॉइस्चर भी ज़्यादा चला जाता है, नमी रहती है या फिर ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो वो हमारे, तो उसकी वजह से हमारे जो हेयर की लेंथ है वो काफ़ी ड्राई, फ्रीज, कुछ इस तरह की फील होने लगती है। तो हमेशा अपने बालों को बांध के रखना है। ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं, कुछ फंक्शन है, इट्स ओके, नॉट अ इशू, बट कुछ घंटों के लिए, बट जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं इमिडिएटली अपने हेयर्स को टाई कर ले। आप बाइक पर जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, तो इस टाइम पे तो डेफिनेटली आपको अपने हेयर्स को टाई करके रखना है, बांधना है। चोटी बनानी है चोटी बना लीजिए, बन बनाना है बन बना लीजिए, जो भी बनाना है, बट उन्हें बांध के रखना है, आपने उन्हें ओपन नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं भी आज आपके सामने हेयर्स को बांध के ही आई हूँ, उन्हें टाई, अच्छे से टाई अप करके आई हूँ। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी आपके बाल गीले होते हैं उनके साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना है। गीले बालों को आपने छेड़ना नहीं है, ना ही उनमें कॉम्ब करनी है, ना ही उनको ज़्यादा छेड़ना है। जब तक आपके बाल एयर ड्राई होने देना है, आपने अपने हेयर्स को एयर ड्राई होने दें। जितने भी आपके हेयर स्टाइलिंग के टूल्स हैं उन्हें आप पैक करके अपने बेड में रख दीजिए फ़िलहाल इस सीज़न में। तो ठीक है, मॉनसून के सीज़न में उन्हें आपने बिल्कुल भी यूज़ करना है, चाहे आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, कर्लर यूज़ करते हैं या फिर हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, तो ये आपने यूज़ नहीं करने हैं। उन्हें पैक करके एक साइड में रख दीजिए, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग, बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जितने भी लोग शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आप प्लीज़ कंडीशनर को तो डस्टबिन में फेंक दीजिए, अगर मेरी मानो ना तो डस्टबिन में फेंक दीजिए। कंडीशनर क्या है, जस्ट केमिकल और कुछ भी नहीं है कंडीशनर, तो आप कंडीशनर नहीं करना है इस वेदर में आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको हैबिट हो चुकी है कंडीशनर की, तो इस वेदर में एटलीस्ट आप इसे यूज़ ना करें। और अगर आप अपने स्कैल्प को एक लास्ट में रिंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मग पानी। आपने शैम्पू कर लिया, आपके हेयर क्लीन हो गए, उसके बाद लास्ट में जब अच्छे से पूरा शैम्पू जो है निकल चुका होगा, क्लीन बाल आपके हो चुके होंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मग लास्ट रिंज जो करना है अपने हेयर्स को, उसको करना है, एक मग पानी लेना है, जो भी एक बड़ा मग होता है आपका वो लेना है। उसके अंदर आपको एक कप यानी कि एक ढक्कन, जो भी ढक्कन होता है ना, यानी कि 5 ml जितना आपने उसके अंदर डाल देना है, क्या, एप्पल साइडर विनीगर डाल के उससे आपने लास्ट में अपनी हेयर्स को रिंज करना है। वो करने के बाद आप अपने हेयर्स में जो प्लेन पानी है वो आपने नहीं डालना है, सिर्फ जो एप्पल साइडर विनीगर है उसका पानी, रिंज जो किया है उसका जो पानी डाला है उसी को डालना है और अपने हेयर्स को टाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप एप्पल साइडर विनीगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, हाफ लेमन स्क्वीज़ कीजिए, उसको मिक्स कीजिए और उससे अपने बालों को
रिंज कीजिए, देखिएगा आपके हेयर में किसी तरह का डेंड्रफ, इचिंग, इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपके हेयर काफ़ी सॉफ्ट लगेंगे, आपको हेयर भी सॉफ्ट लगेंगे, इसके साथ साथ आपका स्कैल्प भी काफ़ी अच्छा फील होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, हो सकता है कुछ लोगों के बालों में ऑयल जो है वो ज़्यादा फील हो इस वेदर में, बट उसके बावजूद भी आपने ऑयलिंग करनी है कंपल्सरी। आपने क्या करना है, ऑयल लेना है। कौन सा ऑयल लेना है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी माने तो ओली ऑयल इज़ द बेस्ट। ओली ऑयल मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, एक मिनट। ओके, अगर अभी इस वेदर में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ, इससे आपको काफ़ी हेयर फॉल आपका नहीं होगा क्योंकि ये बहुत लाइट ऑयल होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, इतना वेदर चिपचिपा और अजीब सा रहता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी सनलाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे में ये जो ऑयल है बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मैं इतना खाली कर चुकी हूँ। तो ओलिव ऑयल यूज़ करें आप इस वेदर में, कुछ मिक्स एंड मैच आपने नहीं करना है, सिर्फ इस ऑयल को आपने यूज़ करना है मॉनसून सीजन में, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑयल होता है और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। करना किस तरह से, आपने इस ऑयल को लेना है 30 ज़्यादा हो गया आई थिंक, 20 सेकंड के लिए ओवन में घुमा लीजिए, और हॉट ऑयल से आपको, हॉट मतलब हल्का सा गर्म, हल्के से गर्म गुनगुने जो ऑयल होता है उससे मसाज करनी है आपको। ठीक है, ये ले सकते हैं, इसके साथ आप ले सकते हैं बादाम ऑयल। ठीक है, ये दोनों ही ऑयल्स का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो इन ऑयल्स को हल्का सा गुनगुना करके उसके बाद आपने अपने स्कैल्प में मसाज करनी है और फिर कर लेना है शैम्पू। ठीक है, अगर आप ओवरनाइट नहीं करना चाहते, ऑयली स्कैल्प पर ओवरनाइट नहीं करना चाहते, कोई ज़रूरी नहीं है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो अपने हेयर्स में ऑयलिंग कीजिए, छोड़ दीजिए, और टू या थ्री आवर्स उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा मॉनसून सीजन का जो फेवरेट ओलिव ऑयल है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट सिर्फ इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ कि कितना अच्छा ऑयल है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है, मेरा भी काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था इस सीज़न में, तो जिससे कि काफ़ी बहुत असर एक्चुअली इससे पड़ा है। तो इस ऑयल को हल्का सा गर्म करके आपने देखना, आपने, आपको कभी कभी ऐसे लगता होगा कि आपके सिर में नहीं, जो रूट्स हैं ये कभी कभी दर्द कर रही होती हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो आपके बाल जो है वो गिरने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें, ऑयलिंग ज़रूर करनी है आपने, भले ही आप 2 घंटे के लिए तेल रखिए अपने बालों में, बट ऑयलिंग कंपल्सरी आपको करनी ही करनी है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हॉट ऑयल क्या करता है ना, हॉट ऑयलिंग जब हम करते हैं तो वो डीप पेनिट्रेट होता है हमारी हेयर्स में और रूट्स को काम डाउन कर देता है, शांत कर देता है, जो भी डिस्टर्बेंस होती है उसको ठीक कर देती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं, अगर आपको हैबिट है कि अपने हेयर्स में कंपलसरी मास्क आपको लगाना ही लगाना है, कुछ इस तरह की अगर आपकी हैबिट है, तो सबसे बेस्ट इस वेदर में कर्ड, सिर्फ प्लेन कर्ड को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप जो कर्ड है वो कर्ड और हनी को मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, उसको अपने हेयर्स में आप लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि हनी जो है आपके हेयर्स को वाइट कर देता है, ऐसा नहीं है। हनी कोई भी चीज़ जो होती है जब किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स हो जाती है तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ना वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जब आप इसको मिक्स करके लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप कर सकते हैं कर्ड प्लस बनाना, कोई भी एक छोटा हाफ बनाना लीजिए, कर्ड लीजिए, मिक्सी में ब्लेंड कीजिए और उसको अप्लाई कर लेना है आपको, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको इस मॉनसून सीजन में हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करें, एक वीक यूज़ करके देखें, वीक में 3 डेज अगर आप करते हैं तो इसके बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आया है तो डेफिनेटली आपको इसे स्टॉप कर देना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, 4 वॉश के बाद 4 बार जब आप शैम्पू कर लेते हैं सेम चीज़ों को यूज़ करके, और आपको लगे कि आपका हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है शैम्पू का क्या काम है। शैम्पू का काम है सिर्फ अपने स्कैल्प को क्लीन करना। तो इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है कौन सा शैम्पू यूज़ करें कौन सा नहीं करें। जो भी शैम्पू आप करंटली यूज़ कर रहे थे
वही शैम्पू आपको यूज़ करना है, ठीक है। जो भी वट एवर मामा अर्थ का या फिर कोई भी आयुर का, जो भी लोकल पेंटिन डव वट एवर जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी शैम्पू जो है आपके हेयर फॉल का कारण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसको जैसी मर्जी आपने सिर्फ उसको क्लीन करना है, उसके बाद वो निकल जाता है, ठीक है, ऐसा से उसका कोई काम नहीं है। हाँ, कंडीशनर जो है आपके हेयर्स में, लीव इन कंडीशनर जब आप छोड़ते हैं वो बहुत इफेक्ट डाल सकता है आपके हेयर पे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो यही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपके मॉनसून में आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, आपके हेयर्स की ग्रोथ होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अब क्या करना है, आपको बताना है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और आप डेफिनेटली आप चाहते होंगे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। भाई जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और वो भी अपने हेयर्स को थोड़ा सा अपने हेयर्स की केयर को कर सके और अपने हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सके। तो ये था आज का वीडियो, डेफिनेटली आपको इसके लाइक किए करना है, लाइक किए बिना आपने नहीं जाना है, आप लाइक नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक किए बिना आपने नहीं जाना है, ठीक है। और जितना उसके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मुकेश भाटी टिप्स। बाय।